ये इसमें बताया गया कि मर्दानगी सिर्फ वो नहीं होता है, मर्दानगी होती है कि आप किन इश्यूज पे अपना स्टैंड लेते हैं, अपनी फैमिली के लिए खड़े होते हैं या फिर अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के लिए या फिर जिंदगी में किस इश्यूज के लिए आप एक फर्म स्टैंड लेते हैं। तो मर्दानगी उन चीज़ों के बारे में होती है, अपने कैरेक्टर को लेकर या फिर आप कितने शिविलरस हैं, औरतों को कैसे ट्रीट करते हैं, वो मर्दानगी होती है। तो इस बारे में हमने खुल के बात की इस फिल्म के अंदर, और इस फिल्म को देखने के बाद आई थिंक सोसाइटी में ज़्यादा खुलकर इस बारे में बात होगी जो होनी भी चाहिए। दोनों का जॉनर एक तरह से अलग है, इसमें एक कॉन्टेंट एक सब्जेक्ट है जो बहुत ही एक सामाजिक इशू है। वो एक रोम कॉम है जो मिडिल क्लास रोम कॉम है जो लखनऊ बरेली में सेट है। तो आई गेस दोनों का स्पेस अलग है। अगर दोनों फिल्में अच्छी हैं, दोनों चलेंगी, दोनों के दो दो हफ्ते का समय भी है, रिलीज डेट अच्छी है, बरेली की बर्फी की ऑलमोस्ट लाइक अ सोलो रिलीज, शुभ मंगल सावधान का आगे स्पेस काफ़ी है उसके पास क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट बड़ी फिल्म जुड़वा आएगी मंथ एंड में। तो आई गेस एक प्रोड्यूसर की कॉल होती है। जब तक आप खुद आई थिंक जब तक आप खुद फिल्म से बड़े नहीं होते आप रिलीज डेट खुद नहीं चुन सकते। आई थिंक ये प्रोड्यूसर की कॉल है, उनके पैसे लगे हैं उसके अंदर। सो द डे आई विल बिकम अ सुपरस्टार तो मैं अपनी रिलीज डेट डिसाइड कर पाऊंगा, लेकिन आई थिंक जब तक फिल्म आपसे बड़ी है तो इट्स अ प्रोड्यूसर्स कॉल। आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट बॉलीवुड, आई थिंक देयर इज जेंडर डिस्पैरिटी एवरीवेयर एंड यू नो एज आई एम ग्रोइंग ओल्डर एज आई एम सॉर्ट ऑफ गेटिंग आउट ऑफ द सेफ हेवन माय पेरेंट्स गेव मी आई माय सेल्फ हैव फेल्ट इट एट वेरियस लेवल्स। इट इज रियली सैड दैट इन इंडिया we've just become used to it, we are just okay with it, like you know even women they don't even realize that they are not getting their rightful what they rightfully deserve. So I would just want to tell everybody that get aware of your rights, talk about it, speak up, don't be afraid of the opposite sex because they are as good as you are and more power to all good.